हिंदू धर्म में जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है तो किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। 3रे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें कोई मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। अब जानते हैं गरुड़ पुराण क्या है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरकयोनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिए हैं। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैना छिंदन्ति शस्त्राणि, नैना दहति पावकः, न चैन क्लेद्यन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे ना तो आग से जला सकते हैं और ना ही पानी भिगो सकते हैं और ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से न तो काटा जा सकता है और न ही इसे अग्नि में जलाकर नष्ट ही किया जा सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है, मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजरमर और शाश्वत होती है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है जिनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। अगर आप भी यह बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।